नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये F&B आउटलेट कैसे ऐड करते हैं रेस्टोरेंट बार रूम सर्विस के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ रेस्टोरेंट के अंदर आइटम मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, उसका रेट कैसे सेट करते हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूटिलिटी पर क्लिक किया, F&B मास्टर पर क्लिक करना है। अगर हमें कैटेगरी बनाना है यहाँ से तो हम कैटेगरी मास्टर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से कैटेगरी बना दिया, बने हुए हैं ऑलरेडी, हम नया बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। सब कैटेगरी बनाना है, सब कैटेगरी पे जाएंगे, यहीं से हमने यहीं से ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट किया F&B। इसमें हमें और नया क्रिएट करना है तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बेवरेजेज क्रिएट करना है मुझे तो यहाँ से मैंने बेवरेजेज की सब कैटेगरी कर ली, सेव कर दी। तो इस तरीके से हम एक मेन ये कैटेगरी और उसका सब हेड बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आइटम कैसे ऐड करना है मास्टर के अंदर। आइटम का नाम हमारे जो मेन्यूज हैं रेस्टोरेंट्स बार रूम सर्विस के लिए, उसके लिए F&B मास्टर पे क्लिक करना है। फिर मेन्यू आइटम मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर ओपन हो जाता है, यहाँ पर कैटेगरी में F&B लेना है। सब कैटेगरी में हमें बेवरेज लेना है, डेजर्ट्स में है, स्वीट्स में है, फास्ट फूड है, फूड है, हार्ड ड्रिंक्स है। तो इस तरीके से हम यहाँ सेट कर सकते हैं अलग अलग। पोज मुझे फूड्स में लेना है तो फूड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आइटम टाइप पे मेन्यू आइटम सेलेक्ट करूँगा मैं। अगर फूड आइटम है तो उस पर वैट नहीं लगता तो यहाँ पे एग्जेम्पशन करेंगे। GST हमें सेट करना है कितना परसेंट लगता है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आइटम पे जितना परसेंटेज टैक्सेस लगता है। उस मैंने एक आइटम नाम टाइप किया मसाला टी, सेव कर दिया। मैंने कीबोर्ड से F10 की प्रेस भी कर सकते हैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के लिए। एक मैंने या तवा रोटी सपोज, बना दिया मिनरल वाटर। एक पनीर बटर मसाला, इस तरीके से हम फूड आइटम क्रिएट कर लेंगे। अगर हमें कोई ड्रिंक्स वाइन का आइटम, तो यहाँ पे सब कैटेगरी में हार्ड ड्रिंक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हार्ड ड्रिंक पे GST नहीं लगता है तो उसके लिए हम यहाँ से GST को हटा देते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पे वेट सेलेक्ट कर देते हैं। ड्रिंक्स पे अब बेसिकली 20% वेट लगता है। अब मैंने एक आइटम का नाम टाइप किया अप्रोच किंगफिशर, स्ट्रॉन्ग 750, 650 ml का की बोतल, सेव कर दिया। ठीक है, एक कर दिया मैं टू वर्क्स स्ट्रॉन्ग। बियर्स होते हैं उससे तो वो बोटल्स में पैक का पैक्सल होता है, जो वाइन और लिकर्स होता है रम्स बोट का, तो वो पैक के हिसाब से सेलिंग होती है। तो उसके लिए हम यहाँ मेन्यूज में भी उसी तरीके से आइटम बनाते हैं। जैसे हम एक बनाते हैं कोई भी बकार्डी रम, रम 30 ml पैक, सेव कर दिया। एक सिमरन ऑफ इस तरीके से हम अलग अलग आइटम बना सकते हैं जो भी हमारे मेन्यूज में होते हैं रेस्ट्रो बार के अंदर। अब इनका हमें रेट सेट करना है या अभी इन्हीं नामों में कुछ एडिट करना है, तो हम एडिट एंड सर्च आइटम पे जाते हैं और यहाँ से हम
यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जिस भी आइटम को हम करना है उस पर क्लिक किया, और जो भी एडिट करना है, हमें टेक्स्ट सेट करना भूल गए हैं तो यहाँ से हम चेंज करके अपडेट कर देते हैं। अब मुझे इन आइटम्स का रेट सेट करना है, तो मैं यह एफएनवी मेन्यू आइटम मास्टर क्लोज करूँगा। उसके बाद मैंने यूटिलिटी पर क्लिक किया, एफएनवी मास्टर में जाऊँगा, मेन्यू आइटम सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले हम एक रिसेप्शन बनाते हैं कि रिसेप्शन हम चोटी प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, काउंटर बाई, जैसे कई होटल्स में प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, रेस्टोर 12 अलग अलग काउंटर होते हैं, तो उनके जो भी रेस्टोर आइटम होते हैं, 12 आइटम होते हैं, अलग अलग क्यूटीज प्रिंटिंग जाती हैं। तो ऐड रिसेप्शन पे क्लिक करके मैंने एक क्यूटी बना दिया, किचन जो फूड आइटम है उनके लिए, और बार आइटम के लिए बना दिया BOT। इनका नाम हम अपने हिसाब से और भी चेंज कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो भी क्लाइंट कहता है। मुझे सेट करना है रेस्टोरेंट के अंदर, फूड प्लाजा मेरा यह है, इसमें सपोज दोनों ही मेरा एक ही आउटलेट है, इसमें से रेस्ट ड्रिंक्स और फूड की दोनों बिलिंग होनी है। सेव कर दिया। अब जाऊंगा मैं मेन्यू आइटम सेटिंग के अंदर, यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, फिर फूड प्लाजा ले लिया। यहाँ पर सभी आइटम्स में मुझे चेक बॉक्स लगा देना है जिससे कि बिलिंग के लिए ये सभी डिस्प्ले हो आइटम। अब यहाँ पर रिसेप्शन सेट कर देना है, जो फूड आइटम है उन पर मैंने क्योटी सेट कर दिया ताकि क्योटी डिफरेंट डिफरेंट काउंटर पर निकल जाए। मैं शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूँ, जैसे के दबाया तो क्योटी आ जाता, बी दबाया तो बीओटी आ गया, और एंटर प्रेस करता जाऊँगा। अब ग्रुप्स बनाने हैं मुझे, जैसे मसाला टी को किस में डालना है, मिनरल वाटर को किस में डालना है, तो जो मेन्यूज में ग्रुप बने होते हैं जैसे मेन कोर्स, ड्रिंक्स, बॉट ऐसे, तो उसके लिए मैं ऐड मेन्यू ग्रुप पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना दिया बेवरेजेज के नाम से, एक बना दिया मैंने इंडियन ब्रेड्स, बना दिया मेन कोर्स, बना दिया मैंने बियर्स, दिया रम्स और वोडका, जो बने होते हैं ऑब्वियसली जो भी रेस्टोरेंट बार होते हैं वहाँ इस तरीके से ग्रुप बने होते हैं इनके मेन्यू में। अब किस आइटम को किस ग्रुप में मुझे सेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, मसाला टी को मुझे सपोज बेवरेज में लेना है, रोटीज को इंडियन ब्रेड्स के अंदर सेलेक्ट करना है, मिनरल वाटर को बेवरेज में लेना है, पनीर बटर मसाला को मेन कोर्स में लेना है। इसके लिए मैं शॉर्टकट की भी, जैसे मुझे बियर लाना है यहाँ पर, तो बी दबाया नेक्स्ट पे जाने के लिए एंटर प्रेस करूँगा। टू बार स्ट्रॉन्ग भी बियर है तो उसको बी दबाया एंटर किया। रम के लिए आर प्रेस किया यहाँ से कुछ, तो इस तरीके से वोडका के लिए वी प्रेस किया एंटर। अब इनका रेट क्या है, हम रेट सपोज 10 रुपीज है, मसाला टीच का 20 रुपीज है, 15 रुपीज तवा रोटी का है, मिनरल वाटर 20 रुपीज है, पनीर बटर मसाला 120 है, इसका 120 है, तो ये हमारा मेन मेन्यू रेट है। अब दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कई प्रॉपर्टीज वाले बोलते हैं हमारा जो भी इस रेट है इसी के अंदर टैक्स इंक्लूड होना चाहिए या प्लस एक्स्ट्रा रहेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूसिव। अगर हमें इंक्लूड टैक्स करना है तो मैं इंक्लूसिव पे क्लिक करूँगा, जो भी सेल रेट होगा कैलकुलेट होके यहाँ पे कम हो जाएगा, जो टैक्स घटा के जो भी रेट होगा। एक्सक्लूसिव पे करूँगा तो ये रेट सेम इधर आ जाएगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी
कुछ एक्सक्लूसिव है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड पूछता है उसके लिए 2005 यूज करते हैं। यहाँ से सेव, ये एंट्री, अब सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब सपोज जो हमारे यहाँ दो तीन आउटलेट हैं, सभी में यही मेन्यू सेम रेट पे चलता है। हम एक मेन्यू से दूसरे, एक आउटलेट से दूसरे रेट में अब हम अलग अलग सेट तो नहीं करना है, तो यही रेट दूसरे आउटलेट में कॉपी करना है, तो उसके लिए हमने कॉपी मेन्यू रेट ऑप्शन दिया हुआ है। कॉपी मेन्यू रेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, किस डिपार्टमेंट से, इस आउटलेट से डिपार्टमेंट में बार के अंदर, और कॉपी मेन्यू रेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये जितने भी मेन्यूज हैं, आइटम हैं, वो दूसरे आउटलेट में कॉपी हो जाते हैं। ये देखिए इधर आ गए, जो मैंने किया था इधर, मैंने अलग से रेट नहीं सेट किया था, और इस तरीके से इधर मैंने रिसेप्शन नहीं किया था बार के अंदर, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पर रिसेप्शन शो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से रिसेप्शन बार डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये भी सेम इसमें शो करेंगे। अपने आप आ जाएंगे जो भी होगा सेम। इसी तरीके से और जितने भी आउटलेट हैं हम सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम रेस्टोरेंट, बार, रूम सर्विस के अंदर आइटम क्रिएट कर सकते हैं, उनका रेट सेट कर सकते हैं, ग्रुप सेट कर सकते हैं, उनके रिसेप्शन काउंटर वाइज क्यूटी प्रिंटिंग सेट कर सकते हैं।